अब जैसे इससे पहले हमने कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग के डिफिनेशंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जहाँ से आपको कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग क्लियर होना चाहिए। तो कुछ गाइडलाइंस हैं हमारे साथ, जनरल गाइडलाइंस फॉर अ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग, कि आपने कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग को परफॉर्म करने के दौरान कौन से गाइडलाइंस को जो है फॉलो करना है। गाइडलाइंस में आपके साथ सबसे पहले आता है, वी आर अ फ्रेशली लर्नड ओवरऑल कोड। सबसे पहले आपको ओवरऑल जो है खुद को कवर करना है, ठीक है। सॉरी, क्योंकि हमारे साथ जो केमिकल्स मटेरियल्स वगैरह है वो आपके स्किन को, आपके कपड़ों को, क्लॉथ वगैरह को जो है ख़राब कर सकते हैं। मे बी आपके लिए टॉक्सिक हो आपके स्किन्स लेवल पर, कपड़ों के लिए, ठीक है। तो इस वजह से जो है सबसे पहले आपको ओवरऑल जो है वो कोट वगैरह जो है वो पहनना होगा, फ्रेशली लॉन्ड्रेड जो होगा, ठीक है, साफ़ सुथरा। सेकंड पॉइंट आपके साथ आता है, डिस्पेंसिंग बेंच इक्विपमेंट एंड कंटेनर मस्ट बी क्लीन। आपका जो डिस्पेंसिंग बेंच है, मतलब जिस बेंच पर जो आप पेशेंट्स के सामने जो है वो मेडिसन्स रख रहे हो, तो उस पर कुछ एक्स्ट्रा और चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मेडिसन्स ही जो है वो सिंपली उसे प्रोवाइड होनी चाहिए। आपके इक्विपमेंट्स वगैरह जो है वो क्लीन होना चाहिए, कंटेनर्स वगैरह जो है वो आपके प्रॉपरली क्लीन होने चाहिए, ठीक है। रीड द प्रिस्क्रिप्शन केयरफुली, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड इट एंड दैट इज़ लीगली करेक्ट, ठीक है। सबसे पहले आप प्रिस्क्रिप्शन को रीड आउट करें, देखें हमारे साथ जो है उसमें जो ड्रग्स है जो कंपाउंडिंग के लिए दिए गए हैं इट्स आर लीगली करेक्ट, उसका आपका बीपी और यूएसपी भी उस चीज़ को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, ठीक है। या प्लस हमारे साथ ऐसा तो नहीं है कि आप उसकी कंपाउंडिंग कर रहे हो और जो आप डिफरेंट केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट, वो आपस में इंट्रैक्शंस तो नहीं कर रहे हैं। अगर इंट्रैक्शंस वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, या जो डिस्पेंसिंग के लिए आपके साथ मेडिसन्स लिखी गई है प्रिस्क्रिप्शन में, अगर वो आपस में इंट्रैक्शंस कर रही है, या कोई मेडिसन्स दो मरतबा लिख लिया है प्रिस्क्रिप्शन ने, सॉरी प्रिस्क्राइबर ने, तो फिर आप पहले जो है उसके साथ कंसल्ट करें, ठीक है, और कंसल्टेंट से पूछो, उसके बाद जो है उसे आप आगे जो है उस प्रिस्क्रिप्शन को बढ़ाएं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आता है, इंश्योर डेट द प्रिस्क्रिप्शन हैज़ द नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द प्रिस्क्राइबर एंड द स्टाम्प ऑफ द हेल्थ सेंटर। अब जो प्रिस्क्रिप्शन है हमारे यहाँ, तो उस पर नेम एंड सिग्नेचर प्रिस्क्राइबर का, जो डॉक्टर है जिसने प्रिस्क्राइब किया है उसका नेम भी होना चाहिए, सिग्नेचर्स भी होना चाहिए, और साथ में ये भी होना चाहिए जिस हेल्थ सेंटर से वो बंदा आया है, जिस हॉस्पिटल से आया है, सेंटर से आया है, उसका स्टाम्प भी होना चाहिए उस प्रिस्क्रिप्शन पर, तब जाके आगे जो है आपने उसे प्रोसीड करना है। नेक्स्ट गाइडलाइंस में क्या हमारे साथ आगे कह रहे हैं, इंश्योर डेट द पेशेंट इज डेटेड एंड हैज़ दिस नेम ऑफ द पेशेंट, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन जो है हमारे साथ, प्रिस्क्रिप्शन जो है हमारे साथ, उस पर डेट मेंशन होना चाहिए एंड प्लस जो है पेशेंट का नेम भी, ठीक। मतलब आप उसी पेशेंट्स को दे रहे हो या किसी और को दे रहे हो, ठीक है, डेट कौन सा है, कब की वो मेडिसिन लेकर जा रहे हैं, ठीक। क्योंकि बास मेडिसिन हमारे साथ ऐसे होते हैं लाइक नरकोटिक्स मेडिसिन, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आज का फॉर एग्जांपल जो है डेट है लाइक मे बी या 25 अप्रैल वगैरह कुछ ऐसा समझ ले, ठीक है, तो उस पर वो ही डेट लिखा हुआ है और वो उसी दिन पर आया हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि वो सेकंड टाइम आपसे वही प्रिस्क्रिप्शन पे से लेकर जा रहा है। तो अगर उसमें नारकोटिक्स ड्रग्स होंगे तो इस तरह तो वो उसका जो है एडिक्टेड हो जाएगा। तो आपने डेट वगैरह जो है वो लाजमन देखने होते हैं और पेशेंट का नेम भी जो है वो आपने देखना होता है। कन्फर्म दैट देयर आर नो फार्मास्यूटिक और थेरेपिटिक इनकम्पेटिबिलिटी इन द प्रिपरेशन। देखिए वही बात है, इनकम्पेटिबिलिटी तो कोई नहीं आ रही, कोई इंट्रेक्शंस तो नहीं आ रहे, ऐसा नहीं कि आप उसका जो है वो कंपाउंडिंग करना शुरू कर दे और उसके बाद वो ड्रग्स जो है अपना नेचर ही चेंज कर दे और आपके साथ ख़राब हो जाए, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं। इफ़ नेसेसरी फाइंड द फार्मूला ऑफ प्रिपरेशन, अगर आप न्यू हैं आपको पता नहीं है तो आप सबसे पहले जो है फार्मूला देखें जो कि आपको बीपी या यूएसपी के से जो है वो इजीली से मिल सकता है किसी भी ड्रग्स की कंपाउंडिंग का।